बारहवीं में पढ़ने वाला छात्र इतना शानदार तरीके से जनरेटर बनाकर तैयार कर दिया है कि उस जनरेटर के बारे में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस जनरेटर के बारे में हम आपको बता दें कि उस जनरेटर को चलाने के लिए नहीं आपको डीजल खर्च करना है और न ही आपको पेट्रोल खर्च करना है और न ही आपको कोई ईंधन यूज करना है, और ये जनरेटर जो है वो चलेगा और आपके घर की पूरी बिजली देगा। यानी कि इस जनरेटर को चलाया जाएगा और जनरेटर जिस चीज से चलेगा उसी चीज से इसको चार्ज भी किया जाएगा और आपके घर की पूरी बिजली का खर्च ये फ्री में जनरेटर उठा लेगा। मैं युवक से बात करता हूँ, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 12। 12 में पढ़ाई करते हैं? यस सर। जनरेटर बनाए हैं? यस सर। कैसे काम करता है पहले ये दिखाइए, फिर आगे बातचीत हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम 12 वोल्ट का डीसी, यहाँ पे 12 वोल्ट का डीसी बैटरी है, हाँ, जो मोटर में कन्वर्ट कर दिए हैं, जो 12 वोल्ट को रोटेट करने के लिए 12 वोल्ट का डीसी बैटरी आप यूज किए हैं? यस सर। उसके बाद? उसके बाद हम ये वाटर पंप है जो कूलर के अंदर आता है, तो इसके बाद इसमें हम कुछ नहीं है। उसके बाद अंदर इसके वाटर पंप के जो अंदर है वो उसके अंदर एक मैग्नेट है जो गोल में है चुंबक, उसी को हम उसके अंदर सेट करके यहाँ पे मोटर का जो लोहा होता है जो पातर का राड उसी को हम उसमें सेट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब हम 12 वोल्ट का डीसी बैटरी यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एसी उधर से, घबराइए नहीं, आराम से एकदम आराम से चलाइए। तो देखिए इधर से मोटर को 12 वोल्ट से ये चला रहे हैं और इसमें लगा जो मैग्नेट है वो वोल्टेज एसी दे रहा है या डीसी दे रहा है? एसी। एसी यहां से कन्वर्ट करके और आपके घर का लाइट जो है वो चलेगा। और ये जो चार्जर लगा है फिर से आप रिचार्ज कर सकते हैं इसको, इस बैटरी को, जिस बैटरी से इस मोटर को चलाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिना ईंधन का चलने वाला जनरेटर है। कहाँ से आपके माइंड में आया कि बिना ईंधन का जनरेटर चलाया जाए? ये हमारे घर में जो कूलर होता है वो हमारे कूलर खराब हो गया था, तो हम उसके अंदर जब देखे तो ये चीज़ हमको ले दिया, ठीक है। उसको हम देखे कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो उसको जब यहाँ पे खोले तो यहाँ पे पंखी लगा होता है उसमें, जो मैग्नेट है उसके अंदर जो चुंबक उसी में पंखी भी है उसी में, तो उसमें जब हम उसको उंगली से नचाए और इसको जब यहाँ पे हमने पकड़े थे तो हमको करंट लगा, तो हम सोच में पड़ गए कि आखिर ये करंट क्यों दे रहा है जो उसमें अंदर ना ही इंजन है ना ही उसमें तार है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम उसको सर्च किए तो हम ये सोच में पड़ गए कि इसको क्या किया जाए जो हाई वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम इसको रिसर्च करने के लिए हम इसमें मोटर लगा दिया, ठीक है, इसमें मोटर लगा दिया, तो इसमें लगे मैग्नेट को नचाने के लिए। यस सर। तो उसको जब मोटर जब उसमें रनिंग करने लगा तो यहाँ पे हम जब इसको मीटर से वोल्टेज मीटर से जब नापा तो यहाँ पे 210 से 220 वोल्टेज तक। थोड़ा सा एक बार नाप के दिखाइएगा, देखिए कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और बेसिकली देखा जाता है कि घर में जो कूलर वगैरह खराब हो जाता है लोग उसे रद्दी के भाव में, कबाड़ के भाव में बेच देते हैं लोग। लेकिन ये बच्चा उसको खोला और उस पर रिसर्च किया और कितना शानदार तरीके से इसको बनाकर तैयार कर दिया है। देखिए यहाँ पे दिखाइए कि ये 105, दिखाइए कितना यहाँ पे 119-200 तक ये वोल्टेज दे रहा है। देखिए कितना शानदार तरीके से इस जनरेटर को बनाकर तैयार किया गया है। एक चीज और हमें बड़ा शानदार यहाँ पे लगा, वो चीज को मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए एक ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत खास प्रोजेक्ट है। अगर आप अपने घर में सोए रहते हैं और बारिश आता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अगर ये आप उपकेंद्र अपने घरों में लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बारिश आने वाली है, बारिश आ रही है, और आप अपने छत पे जो कपड़ा डाले हैं उसको आसानी से उतार सकते हैं। थोड़ा सा इसको पहले दिखाइए काम कैसे करता है। सर देखिए, देखिए इसमें अगर पानी डाल, जैसे ही पानी लगेगा, पानी उस पे पानी का बूंद जाएगा, वैसे ही ये पूरा आवाज करने लगेगा और लाइट जलने लगेगा आपके घर का। देखिए कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। ये लाइट से भी चल सकता है कि केवल बैटरी से? लाइट से भी चलेगा। लाइट से भी चलेगा। कितने दिन में बना दिए इसको? सर दो घंटे में बनाए। अच्छा, इसमें जो सामान आप यूज किए हैं कहाँ से खरीद के लेके आई हैं? सर स्कूल से मिला है। सब कुछ स्कूल से मिला है? हाँ।
ये दिमाग किसने दिया था आपको? सत्येंद्र सर। सत्येंद्र सर आपको दिमाग दिए थे कि ऐसे बनाना है? बगल से सत्येंद्र सर नहीं करेंगे, मेरा नाम बता दो। नहीं, वो क्यों बोलेंगे। हाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? नाइन्थ। कौन से स्कूल में? MD इंटर कॉलेज। तो देखिए, ये नाइन्थ के स्टूडेंट हैं और कितना शानदार तरीके से ये वर्षा यंत्र बना दिए हैं कि अगर आप घर में सोए हैं और आपके छत पे कपड़ा है और बारिश आता है, आपको पता नहीं चलता, आपका कपड़ा भीग जाता है, तो ये आप जैसे ही बारिश आएगा आपको ये सिग्नल दे देगा कि बारिश आने वाला है। तो ये सब प्रोजेक्ट आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमडी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल और विज्ञान के टीचर हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। सर, ये जो साइंस एग्जीबिशन लगाए हुए हैं, बच्चे आधुनिक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क बनाए हैं, ये स्कूल की तरफ से बच्चों को सब दिया गया है, बच्चे क्या रुचि रखते हैं या ज़बरदस्ती आप लोग बनवाते हैं? नहीं, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट था और ये बच्चे बार बार 10 दिन से लगातार ऑफिस में आके हमसे साइंस के टीचर से बार बार कह रहे थे कि पिछले वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन हुआ था, इस बार भी हम लोगों को प्रतिभा कराया जाए। तो इनके ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक चीज़ों को देखते हुए, इनके क्रिएटिव थिंकिंग को देखते हुए हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। आप विज्ञान के टीचर हैं और देखा जाए जो एमडी इंटरमीडिएट कॉलेज है, एक ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, और जब ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने की बात आती है तो बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो लोग ज़्यादातर शहरों की तरफ भागते हैं अपने बच्चों को, कि अच्छा पढ़ाई बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में होगा। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होकर इतना शानदार तरीके से कोई ब्लाइंड स्टिक बना दिया, कोई कार बना दिया जो सेंसर से चल रहा है, कोई ऐसा यंत्र बना दिया कि बारिश आ रहा है और घर को पता चल जा रहा है, बिना ईंधन से चलने वाला जनरेटर बना दिया है। आप साइंस टीचर, आप इन बच्चों को लेके क्या देखते हैं और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते हैं और साथ में इनके कला कौशल को रफ्तार देने के लिए हम ये एग्जीबिशन लगाते हैं।